सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश नहीं भारत और विश्व के मंच पर ऊपर करोगे। आप सभी इस बात का पल लेते हैं क्यों बेटा? वेरी गुड। हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस। बच्चियां आप लोग क्यों कमजोर हैं? क्यों आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है? अब आप हर एग्जाम की तरह बढ़िए। अब सिविल एग्जामिनेशन में पहले केवल होता था कि बच्चों को सिर्फ माना जाता था कि वो टीचर की नौकरी करे, बाकी नौकरी उनके लिए नहीं है। लेकिन अब आप आइए पुलिस विभाग में भी देखिए, कांस्टेबल से लेकर के जिले के एसपी तक का चार्ज महिलाएं संभाल रही हैं और बखूबी संभाल रही, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रही हैं। तो मैं जरूर आशा करूंगा कि इस विद्यालय से कोई बेटी जिले के डीएम और जिले की एसपी, जिले की सीएम में जरूर बनेगी। आप लोग को अपने अंदर आत्मविश्वास है ना? और इसको मुफ्त रूप देने वाले आपके सिर्फ शिक्षक हैं, इनका सम्मान करना। अगर ये नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ आप सभी लोग खेलकूद में भी थोड़ा समय देना। शिक्षा तो गुरुजन आपको सिखा देंगे, क्योंकि आपके लिए हेल्थ का भी होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, वो हर एक बेटी बहन का सम्मान करना। बेटा बड़े होने के बाद ऐसा ना हो कि समाज में जो फैल रही बुराइयां, उन्हें आप लोग दूर करना। एक मिसाल कायम करना कि आलस के बच्चे जिधर से निकलते हैं, उनके चाल से, उनके शब्दों की भाषा से, उनके खड़े होने के तरीका, उनके बैठने के तरीका से मालूम हो कि हैं आरएलएस के विद्यालय के स्टूडेंट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज से 10 साल पूर्व चौराहे पे अगर कोई विद्यार्थी खड़े होते थे तो ये मालूम हो जाता था कि ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर ये किसी कॉलेज से आए हुए यहाँ पे भीड़ लगाए हुए स्टूडेंट था। दोनों में सिर्फ अंतर इतना था, एक के चलने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका अनुशासन से परिपूर्ण था। जो यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद में कल्चर देखा, आज मैंने वो आरएलएस पब्लिक स्कूल में कल्चर देखा है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, ये सभी अनुशासन के साथ एक रूप में बने हुए हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी की योग्यता अभी आपके अंदर आ सकती है तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस वक्त आप वहाँ पहुँचेंगे बहुत ही ऊपर के मुकाम पर आएंगे। और मेरे ईश्वर से शुभकामनाएँ हैं, इन गुरुजनों का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने आपको एक बेहतरीन शिक्षा दी हुई है। इस शिक्षा को कायम रखना आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए समस्त गुरुजनों का और इस संस्था के समस्त प्रबंधक, अध्यक्ष, डायरेक्टर, प्रिंसिपल महोदय, वाइस प्रिंसिपल महोदय का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और पूरे कौंदी कला स्टाफ की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।